अगर आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये एक कम्प्लीट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने हर एक बात को बहुत डिटेल में और क्लियर करके समझाया है। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, ड्राइविंग लाइसेंस को आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, RTO कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और आपको फ़ीस कितनी देनी होगी, हर एक बात को बहुत डिटेल में कवर किया है। तो वाकई में अगर आप अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तब आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मेरी गारंटी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपना लाइसेंस बिना एजेंट की मदद के बनवा सकते हैं। तो एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए, उसी के बाद आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है, एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको एक लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। जिस डेट में आपको लर्नर लाइसेंस इशू किया जाएगा उसके एक महीने के बाद फिर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज का जो वीडियो है ये Part 1 है। इस वीडियो में आपको लर्नर लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस को कैसे डाउनलोड करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जब आपके लर्नर लाइसेंस को एक महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको तीसरी वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचना क्या है यार, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अक्सर चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है सारथी परिवहन। शुरू में जो आपको लिंक मिलेगा आपको इस लिंक पर ओके करना है। परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, parivahan.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। सो यहां पर हमें दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस पर ओके करेंगे। यहां पर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सभी सर्विसेज देख सकते हैं, जैसे कि एक लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना हो तो वो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस यानी परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो तो आप वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे सर्विसेज हैं। सो फिलहाल हमें यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, सो यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 6 स्टेज बताई गई हैं। पहले आपको एप्लीकेशन फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट को वेरीफाई करेंगे, रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे और लास्ट में यहाँ पर स्लॉट बुक करना होगा। सो ये सभी स्टेज आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होंगी, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग या फिर लर्निंग लाइसेंस, यानी कि जो यहाँ पर लाइसेंस अप्लाई कर रहा है उसने पहले से कोई ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड तो नहीं किया हुआ है या कोई लर्निंग लाइसेंस होल्ड तो नहीं किया हुआ है। सो हमारे केस में यहाँ पर हमारे पास ना तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही कोई लर्निंग लाइसेंस है, सो हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। अब हमारी यहाँ पर शुरू की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, इसमें हमें यहाँ पर कम्प्लीट इस फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद RTO ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। अगर मिडल नेम और लास्ट नेम नहीं है तब आप फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है, आप ड्राइविंग लाइसेंस पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट पर ओके करेंगे। फादर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर फादर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मदर का ऑप्शन भी है, हस्बैंड एंड गार्जियन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम फादर नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फादर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम डाल सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिसके आगे आपको यहाँ पर रेड स्टार नज़र आ रहा है यही इन्फॉर्मेशन आपकी मैंडेटरी है, इसको फिल करना। जिसके आगे यहाँ पर रेड स्टार नहीं है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। सो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट रहेगी, आपको क्वालिफिकेशन में आना है, यहाँ पर सिलेक्ट पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, आप 8th पास है, 10+2 पास है या फिर 10th स्टैंडर्ड पास है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है।
आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ITI सर्टिफिकेट कोर्स, जो भी आपके पास इनमें से हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 8th से कम किया हुआ है तब आप यहाँ पर ये बिलो 8th वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सो हमारे केस में यहाँ पर हम 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना है, यहाँ सिलेक्ट पर ओके करेंगे। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसको अननाउन कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है लेकिन आपको ईमेल आईडी डाल देनी चाहिए। उससे ये होगा आपके लर्निंग लाइसेंस के जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको ईमेल पर मिलते रहेंगे। सो इसलिए आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप, फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, अगर आपके शरीर पर कहीं पर कोई निशान है तो आप वो यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको विलेज या फिर टाउन सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी विलेज में रहते हैं तो विलेज वाले को सिलेक्ट रहने देंगे, अगर कहीं टाउन या सिटी में रहते हैं तब आप इसको टाउन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट पर ओके करके अपने विलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हाउस, डोर या फिर फ्लैट नंबर डालेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट, लोकेलिटी या फिर पुलिस स्टेशन का नाम डालेंगे। यहाँ पर लोकेशन या फिर लैंडमार्क डालेंगे। यहाँ पर पिन कोड, यहाँ प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आप एड्रेस फिल करते हैं यही एड्रेस आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस इसी एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, जो आपके आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस डला हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तब आप यहाँ कॉपी टू परमानेंट एड्रेस इस बॉक्स को चेक करेंगे। सो आपका यहाँ का प्रेजेंट एड्रेस इधर कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि आप जो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल कर रहे हैं, अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस अलग अलग है सो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है आप जो यहाँ पर फिल कर रहे हैं सो क्या आपको यहाँ प्रेजेंट वाले एड्रेस पर ही RTO में जाना है या फिर परमानेंट वाले RTO पर जाना है। सो आपका ये कन्फ्यूज़न मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा उसका काम सिर्फ इतना रहेगा कि वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट किया जाएगा और उसी एड्रेस पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बाई पोस्ट सेंड किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका लाइसेंस बनेगा और जिस RTO आपको जाना है आपको सिर्फ वहीं जाना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, आपके आधार कार्ड में मेंशन है, और जो आपका RTO लगता है वहीं से आपका लाइसेंस बनेगा। वहीं पर आपको टेस्ट के लिए जाना है और वहीं से ही आपका लाइसेंस इशू किया जाएगा। अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लाइसेंस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी दी हुई है, जो भी लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल। जैसे कि हम यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इस पर ओके करेंगे। सो हमारा यहाँ से ये इधर कॉपी हो जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर ओके करेंगे। सो हमें लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विद गियर ये दोनों लाइसेंस अप्लाई करने हैं तो हम इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई गलती से गलत आ जाता है सो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर ओके कर देना है। आपका यहाँ से ये हटके इधर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका लाइसेंस कभी सस्पेंड हुआ हो या फिर कैंसिल हुआ हो। सो अगर आपके केस में कुछ ऐसा है तो आप इसको यहाँ पर चेक करेंगे और नहीं है तो इसको अनचेक रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कहीं ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है। अगर कहीं ड्राइविंग स्कूल से आपने ट्रेनिंग ली है तब आप इसको चेक करेंगे। उसके बाद आपको अपना वहाँ का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ड्राइविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, यानी HMV के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको ड्राइविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है, इन केस ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो क्या आपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है। सो यहाँ से इसको टिक करेंगे और अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको अनटिक रहने देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कि आपने जितनी भी डिटेल्स फिल की हैं वो बिल्कुल सभी की सभी डिटेल्स सही है। सो यहाँ से इसको यस कर देंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारी जनरेट हुई है जिसमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेंट की डिटेल्स दी हुई है।
ये एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल एंड ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसको नोट करके भी रख सकते हैं, बाद में जब आपको पेमेंट करना होगा या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से निकालना होगा सो इसी एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप सभी काम कर सकते हैं। लाइसेंस में हमने कौन कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, LMV लाइट मोटर व्हीकल, MCWG यानी मोटरसाइकिल विद गियर। बात करें अगर डॉक्यूमेंट्री की तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट देने हैं। एक डॉक्यूमेंट आपको एज प्रूफ के लिए देना है, एक एड्रेस प्रूफ के लिए देना है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, और एक आपको फॉर्म 1 अपलोड करना होगा। फॉर्म 1 सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप इसको खुद से वेरीफाई करके अपलोड कर सकते हैं। सो एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर बात करें फॉर्म 1 की, फॉर्म 1 आपको कहाँ से मिलेगा, फॉर्म 1 को डाउनलोड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट फॉर्म 1, इस पर ओके करेंगे। इस फॉर्म का फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एप्लीकेंट की डिटेल्स होंगी और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आपको यस और नो में जवाब देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, अगर आप थंब लगाते हैं तो यहाँ पर थंब लगाना है और इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आप इसी को वापस से अपलोड कर देंगे। येस और नो का आंसर आपको किस तरह से करना है, एक फॉर्म को मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए हुए हैं जो कि येस और नो में आपको आंसर देना है। इसमें सिर्फ बी और डी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर येस रहेगा, बाकी सब आपको यहाँ पर नो करने हैं। सो आप सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और इस फॉर्म को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको आगे कैसे अपलोड करना है चलिए देखते हैं। सो वापस आपको इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन हमारा फिल हो चुका है। अब सेकेंड स्टेज हमारी है डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि अभी पेंडिंग है। सो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ से प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में रखना है और डॉक्यूमेंट का साइज़ आपको क्या रखना है। सो यहाँ पर आप फॉर्मेट 3 फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, JPEG, JPG एंड PDF। इन तीनों फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखेंगे और डॉक्यूमेंट का साइज़ आपको 200 KB से ज़्यादा नहीं रखना है, मैक्सिमम 200 KB रहेगा और मिनिमम आप कितना भी रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपका साफ एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ सेलेक्ट पर ओके करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें एज प्रूफ अपलोड करना है तो एज प्रूफ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ प्रूफ पर ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है आपके स्टेट में और आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट एज प्रूफ में लगा सकते हैं। ये आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, सभी स्टेट्स का जो है अलग अलग शो हो सकता है। यहाँ पर जो मुझे एज प्रूफ में डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं ये मेरे स्टेट में है, आपके स्टेट में कुछ अलग भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, लगभग सभी स्टेट्स में वो देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज प्रूफ में हम SSLC सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, स्कूल एजुकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एफिडेविट नोटरी करवा के भी लगा सकते हैं और फोटो आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है। सो अगर आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है एज प्रूफ में अपलोड करने का। और भी कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर पैन कार्ड भी वैलिड होता है एज प्रूफ के लिए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ उत्तराखंड से, यहाँ पर एज प्रूफ में हम पैन कार्ड नहीं दे सकते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर एज प्रूफ में SSLC सर्टिफिकेट यानी कि सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं। सो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ चूज़ फाइल पर ओके करेंगे, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब देखिए जैसे कि हमारी फ़ाइल का साइज़ 200 KB से ज़्यादा है सो यहाँ पर हम अपलोड नहीं कर सकते, इसका साइज़ हमें पहले कम करना होगा। सो इसका साइज़ मैं पहले कम कर लेता हूँ। सो हमारी फ़ाइल का साइज़ सही हो चुका है, हम दोबारा से फ़ाइल को अपलोड करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल को ओके करेंगे, यहाँ पर फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ओपन नाउ अपलोड, यहाँ से इसको कन्फर्म कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज प्रूफ हमारा अपलोड हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद भी शो नहीं करता है तब आप पेज को एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा। अब हमें दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट पर ओके करेंगे, एड्रेस प्रूफ पर ओके करेंगे और यहाँ से प्रूफ में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है, जैसे कि पासपोर्ट, एफिडेविट आप नोटरी करा के लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट,
फोटो आईडी कार्ड इशू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू की जाती है वो फोटो आईडी कार्ड लगा सकते हैं आप। यहाँ पर आधार कार्ड विद डीओबी के साथ आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड आज के टाइम में सभी के पास है, तो आप यहाँ पर अपना सिंपली आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल पर ओके करेंगे, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ओपन एंड नाउ अपलोड, इसको कन्फर्म करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, बट यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है। सो उसके लिए आपको पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। हम यहाँ से पेज रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू। आप देख सकते हैं कि एड्रेस प्रूफ हमारा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें अपना फॉर्म वन अपलोड करना है। सो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट पर ओके करेंगे, फॉर्म वन को सिलेक्ट करेंगे, प्रूफ पर जाएंगे, यहाँ पर भी फॉर्म वन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ चूज़ फाइल पर ओके करेंगे और फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपलोड, कन्फर्म। फॉर्म वन भी हमारा अपलोड हो चुका है बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा। सो उसके लिए हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड फॉर्म वन। आप सभी डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओके करेंगे, जैसे कि हम SSLC सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो इस पर ओके करेंगे। सो यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ पर हम आधार कार्ड चेक कर लेते हैं, आधार कार्ड भी हमारा अपलोड हो चुका है। फॉर्म वन चेक कर लेते हैं, सो यहाँ पर फॉर्म वन भी हमारा अपलोड हो चुका है। सो इस तरह से आप सभी डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें किसी भी स्टेट से ऑल ओवर इंडिया अपना लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, आपको सिर्फ तीन ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, एक एज प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक फॉर्म वन। एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपके स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ तीन ही डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर फोर्थ डॉक्यूमेंट कोई सा मांगा जाता है, सो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको तभी रिक्वायर्ड होता है जब आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा हो। अगर आप 50 ईयर से ज़्यादा की एज में अपना यहाँ पर लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसका फॉर्मेट भी आपको बाहर से डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जहाँ से मैंने फॉर्म वन को डाउनलोड किया था वहीं से आप उस मेडिकल सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे और किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से आप उसको वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पर आप उसको अपलोड कर देंगे। बाकी कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर आप कम एज में भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। सो उसमें आपको घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको सिंपली फॉर्म वन की तरह उसको भी डाउनलोड कर लेना है और कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप उसको गवर्नमेंट डॉक्टर से वेरीफाई करवा के सेम इसी तरह से अपलोड कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे केस में सिर्फ हमारे से तीन ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, हमने तीनों अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। सो अब हमारी दो स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन फिल, डॉक्यूमेंट अपलोड। तीसरी स्टेज हमारी पेमेंट की, अब हमें पेमेंट करना होगा। बट पेमेंट करने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे इस एप्लीकेशन में ये हो चुकी है कि इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है। मैं आपसे कह रहा था कि आपको सभी डिटेल्स बिल्कुल सही से फिल करनी है, बट यहाँ पर खुद मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने भी इसका ध्यान दिया है। कुछ भी मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा मजाक से हट के अगर बात करें तो ये मिस्टेक होने पर भी आप ही लोगों का फायदा हुआ है। इसमें अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको पेमेंट करने से पहले पहले ही किस तरह से सही करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तभी तक आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे। सो अभी हम अपना डेट ऑफ बर्थ सही करेंगे। उसके लिए आपको वापस इसी वेबसाइट पर आना है, होम पर यहाँ पर आना है जहाँ पर हम शुरू में थे। अब यहाँ पर शुरू में आपको लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करेंगे। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन एडिट LL ओनली, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो आपने गलत मेंशन की है वही आप यहाँ पर डाल देंगे। अब एक OTP आपके नंबर पे आएगा, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने दोबारा से ओपन हो जाएगा, आपसे जो भी इसमें मिस्टेक हुई है आप उसको यहाँ पर दोबारा से करेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है, हम इसको यहाँ पर सही कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 29 डालना था लेकिन यहाँ पर 26 हो गया था। डिटेल्स को सही करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर दोबारा से अपने लाइसेंस की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं मोटरसाइकिल विद गियर एंड लाइट मोटर व्हीकल, दोनों सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे। सो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुल। सो हमारी एप्लीकेशन दोबारा से अपडेट हो चुकी है। सो हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से हमने अपनी एप्लीकेशन को छोड़ दिया था। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करना है।
यहाँ पर एप्लीकेशन का नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा सेम टू सेम इसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ अभी करेक्ट हो चुकी है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमने दो स्टेज कंप्लीट कर ली थी, तीसरी स्टेज थी हमारी पेमेंट की। पेमेंट वाले ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। यहाँ से पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट्स की डिटेल मिल जाएगी, आपको कौन से लाइसेंस के लिए, कौन से कैटेगरी के लिए कितना अमाउंट पे करना है, वो टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर MCWG के लिए 150 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 150 रुपये, और लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के 50 रुपये फीस देनी है, और यूज़र चार्जेस 20 रुपये देने हैं। सो हमारे टोटल यहाँ पर बनते हैं 370 रुपये, जो कि हमें पे करने होंगे। अगर आप सिर्फ मोटरसाइकिल का बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर 150 रुपये मोटरसाइकिल विद गियर, और 50 रुपये लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की फ़ीस, और 20 रुपये यूज़र चार्जेस फ़ीस, यानी कि टोटल आपको 220 रुपये पे करने होंगे। सो जो भी आप कैटेगरी लाइसेंस के सिलेक्ट करते हैं, आपके लाइसेंस की कैटेगरी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी आएगी। बाकी फ़ीस आपके स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपकी स्टेट में क्या फ़ीस रखी गई है। सभी स्टेट्स में आपको फ़ीस अलग अलग देखने को मिल सकती है, कुछ स्टेट्स में कम भी हो सकती है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि बिहार का मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पर लर्निंग लाइसेंस की बहुत ही ज़्यादा फ़ीस जाती है, तकरीबन 800 या 900 रुपये मोटरसाइकिल विद गियर एंड LMV का मैंने पे किया था। सो ये आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फ़ीस बनती है। हमारी फ़िलहाल यहाँ पर MCWG एंड LMV के लिए 370 रुपये हमें पे करने हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें गेटवे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फॉर ओके करेंगे, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा सेम टू सेम इसको फिल करेंगे, पे नाउ करेंगे, आई एग्री, प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग या फिर योनो से पेमेंट कर सकते हैं, और अगर अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तब आपको 5.90 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। सो यहाँ पर हम अदर बैंक डेबिट कार्ड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर, कन्फर्म, कन्फर्म। यहाँ पर कार्ड की डिटेल डालेंगे, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV, और यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे, उसके बाद पे करेंगे। अब एक OTP आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ से क्लिक हेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप पेमेंट की रिसिप्ट को प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर ओके करना है, यहाँ पर इसको टिक करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे, प्रिंट रिसिप्ट करेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट हमारे सामने आ चुकी है, इसको हम फिलहाल के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब वापस से आपको इसी पेज पर आना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको अगर पेमेंट करते हुए पेमेंट फेल्ड हो जाता है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि आपका पेमेंट कट जाता है लेकिन पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता, वहाँ पर आपको सक्सेसफुल नहीं दिखाता, तो तब आपको अपने पेमेंट को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई पेमेंट को करने का काफ़ी आसान तरीका है, आपको इसी पेज पर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ़ीस पेमेंट का, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं वेरीफाई पे स्टेटस, आप इस पर ओके करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और आपका पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको वापस इसी वेबसाइट पर आना है, और जहां तक आपने एप्लीकेशन को फिल कर लिया था वहीं से कंटिन्यू करने के लिए आपको वापस एप्लीकेशन स्टेटस पर ओके करना है। यहां पर एप्लीकेशन का नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारी 3 स्टेज कम्प्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट एंड फीस पेमेंट। अब लास्ट स्टेज है हमारी स्लॉट बुकिंग की, अब हमें अपना स्लॉट बुक करना होगा टेस्ट के लिए, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अब एक OTP आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से प्रोसीड टू बुक करेंगे। यहाँ पर अभी हमें एक एरर मैसेज देखने को मिला है, नेक्स्ट 30 डेज स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल। सो अगर आपका भी कोई इस तरह का एरर मैसेज आता है, इस एरर मैसेज का मतलब ये है कि आपके RTO में स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, सभी स्लॉट्स फुल हो रखे हैं। सो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको मॉर्निंग में सुबह 10 बजे ट्राई करना है, क्योंकि स्लॉट बुकिंग का जो टाइम खुलता है वो सुबह 10 बजे खुलता है, और मुश्किल से 3 या 4 या 5 मिनट में सभी स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। सो इसलिए आपको मॉर्निंग में सुबह 10 बजे बिल्कुल राइट टाइम स्लॉट्स बुकिंग के लिए ट्राई करना है, आप ईजिली सुबह में अपना स्लॉट बुक कर पाएंगे। बाकी कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको इतनी परेशानी नहीं होगी स्लॉट बुक करने में, आप किसी भी टाइम 24 आवर्स में अपना स्लॉट बुक कर पाएंगे। ये इस तरह का एरर मैसेज आपको उस जगह पर देखने को मिल सकता है जिस RTO में भीड़ ज़्यादा रहती हो।
सो अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और कल सुबह मॉर्निंग में दोबारा से ट्राई करेंगे स्लॉट्स को बुक करने के। The next day. So, अभी हमारा ये दूसरा दिन है और अभी आप ये डेट देख सकते हैं और यहाँ पर टाइम 9:54 और 41 सेकंड हो चुके हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें स्लॉट बुकिंग के लिए सुबह 10 बजे राइट टाइम बिल्कुल ट्राई करना होगा, तभी हमें स्लॉट्स मिल सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आप ये भी सीख जाएंगे, अगर आपको स्लॉट बुक करने में प्रॉब्लम होती है, आपके आरटीओ में ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप स्लॉट किस तरह से बुक कर सकते हैं। सो आपको इसी वेबसाइट पर आना है, sarthiparivahan.gov.in, परिवहन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपॉइंटमेंट्स, आप यहाँ पर क्लिक करके बुक कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक ऑप्शन है अपॉइंटमेंट्स का, यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि स्लॉट बुकिंग लर्नर लाइसेंस टेस्ट, DL के लिए यहाँ से बुक करेंगे और लर्नर लाइसेंस के लिए यहाँ पर बुक करेंगे। सो हमें अभी लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर ओके करेंगे। आपको 10 बजने से पहले पहले सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करके रखनी है। यहाँ पर आप इसको जो है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। सो मैंने सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दी हैं, अब यहाँ से मुझे सबमिट करना है। अब एक OTP आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे, नीचे आएंगे, प्रोसीड टू बुक, डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करेंगे एंड बुक स्लॉट, और उसके बाद कन्फर्म टू स्लॉट बुक और LL टेस्ट अपॉइंटमेंट डिटेल्स नॉट अवेलेबल, यानी कि हमारा स्लॉट बुक नहीं हुआ है। और आप टाइम भी देख सकते हैं 10:20 या 22 सेकंड हुई है, यानी कि 20 सेकंड में भी हमारा स्लॉट बुक नहीं हुआ है। सो और भी ज़्यादा जल्दी हमें ट्राई करना होगा, यानी कि 20 सेकंड से भी कम में हमें ट्राई करना होगा, तभी हम अपना स्लॉट बुक कर पाएंगे। चलिए एक बार कल ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट डे। सो गाइज, आज का ये हमारा तीसरा दिन है जिस दिन हमने एप्लीकेशन फिल किया था। आज 6 तारीख है और 9:52 हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। The next day. So guys, आज है 7 तारीख, 9:51 हुई है और आज हमारा ये 4th डे है स्लॉट बुक करने का। 3 दिन से हम लगातार ट्राई कर रहे हैं बट स्लॉट हमारा बुक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आरटीओ में भीड़ है जिसकी वजह से स्लॉट मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सो चलिए आज फिर और ट्राई करते हैं और देखते हैं कि स्लॉट बुक होता है नहीं। आपको सिंपली इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है, इस पर आपको ओके करना है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर स्लॉट बुकिंग लर्नर लाइसेंस टेस्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ सारथी सर्विस, इसको चेक करेंगे, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का नंबर डालेंगे, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। सो यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स फिल कर दी हैं, अब हमें यहाँ पर वेट करना है 9:58 या 57 हो जाएंगे उसी वक्त हम सबमिट करेंगे। अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, सो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। सो अभी 9:57:10 हो चुकी है, हम इसको चलिए सबमिट करते हैं। अब एक OTP आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से प्रोसीड टू बुक करेंगे। अब देखिए गाइज, यहाँ पर ये बहुत अहम पॉइंट है, आपको इसका खास करके ध्यान रखना है। अभी 9:58 होने वाले हैं, 2 मिनट और बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 तारीख है ये हमारी अवेलेबल है, स्लॉट अवेलेबल ग्रीन में जो है। सो यहाँ पर आपको तभी क्लिक करना है जब पूरे 10 बज जाएंगे, 10:02 या 10:03 हो जाएंगे, तभी आपको इस पर ओके करना है। अगर आप उससे पहले यहाँ पर ओके करते हैं तो आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा और आप अपना स्लॉट बुक नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर ग्रीन में जो है ये अवेलेबल है, रेड में 9 स्लॉट अवेलेबल है और जो ब्लू में आपको दिखा रहा है ये हॉलीडे वाले दिन होते हैं। सो हमें यहाँ पर 5 तारीख अवेलेबल है, तो इस पर हम तभी ओके करेंगे जब हमारे यहाँ पर पूरे 10 बज जाएंगे। सो अभी हम वेट करते हैं 10 बजने का। सो टाइम होने वाला है, टाइम हो चुका है, चलिए ओके करते हैं, तारीख सेलेक्ट करते हैं, बुक स्लॉट, कन्फर्म टू स्लॉट बुक। सो फाइनली गाइज, आज हमारा स्लॉट बुक हो चुका है 4 दिन लगातार ट्राई करने के बाद, और सिर्फ हमने 10 सेकंड के अंदर अपना स्लॉट बुक किया है। आपको भी सारी डिटेल्स फिल करके रखनी है और 10 सेकंड के अंदर ही अपना स्लॉट बुक करना होगा। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी वीडियो के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है, लगातार 4 दिन तक मैं ट्राई कर रहा था। सो चलिए फिर थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता है, थोड़ा सा चलो ढिंढोरा पिटवाते हैं।
सो आई होप गाइज आप लोगों को भी उतनी ही खुशी हो रही होगी जितनी कि मुझे हुई है स्लॉट बुक होने के बाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे की बात अब कर लेते हैं कि आगे आपको क्या करना है स्लॉट बुकिंग के बाद में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्लॉट की डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, नाम, फादर नेम, और यहाँ पर किस डेट में हमारी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ है 5/1/2021, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हमें वहाँ पर जाना होगा। और यहाँ पर कुछ और भी आपसे कहा जा रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू विजिट एट RTO हरिद्वार ऑन 5/1/2021 अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम। यानी कि आपको 30 मिनट पहले, अपने टाइमिंग से 30 मिनट पहले RTO पहुँच जाना है, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एलोंग विद ओरिजिनल ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने हैं और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं। सो आपसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लेनी है, या आप चाहें तो डायरेक्ट इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एप्लीकेशन का हम एक बार स्टेटस चेक करते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। सो यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट है, पेमेंट कंप्लीट है, और फाइनली स्लॉट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का जो प्रोसेस है, अभी यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में क्या दिखा रहा है हमारा कि हमें लर्निंग लाइसेंस इशू नहीं हुआ है, उसके लिए हमें RTO जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, एक टेस्ट होगा हमारा, और उसके बाद हमारा लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड करना है उस पर आगे वीडियो आएगी। और अगर आप बाई चांस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा से रीटेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फ़ीस को पे करेंगे, वो भी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सो अभी हमारे यहाँ पर सभी काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनली आपको RTO क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको नहीं पता है। सो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स का भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। आपको एक एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको RTO में लेकर जाने हैं। एक तो आपको एज प्रूफ लेकर जाना है, जो आपने अपलोड किया है वो ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे, और उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। एक एड्रेस प्रूफ में सिंपली आपने आधार कार्ड अपलोड किया होगा, सो आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। दो डॉक्यूमेंट ये हो गए। और एक तीसरा जो हमने Form 1 अपलोड किया था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक वो फॉर्म आपको प्रिंट निकाल लेना है और वो भी आपको साथ लेकर जाना है। 3 डॉक्यूमेंट हमारे हो गए। अब इन 3 डॉक्यूमेंट के बाद में आगे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको यहीं से डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आपको साइड में देख सकते हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। इस पर ओके करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आएगा, इसमें आपकी डिटेल्स होंगी और आपके लर्निंग लाइसेंस के लिए आपने कौन कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की है उसकी डिटेल्स होंगी। सो यहाँ पर आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है। इसको प्रिंट निकालने के लिए आप यहाँ सिंपली प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर ओके करेंगे। यहाँ से आप सिंपली इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है, और प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, फ़ोन में लेके जाएंगे या पेन ड्राइव में, कहीं भी नज़दीक में शॉप पर जाएंगे और वहाँ से आप इसको प्रिंट निकलवा लेंगे। सो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, सेव पर ओके करेंगे, यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। सो एक डॉक्यूमेंट हमारा ये सेव हो चुका है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप वापस फिर इसी पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड, इस पर ओके करेंगे। और ये फॉर्म आपका टोटल 5 पेज का होगा, आपको इसको भी प्रिंट निकाल लेना है। इस फॉर्म को प्रिंट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म पर एक फोटोग्राफ यहाँ पर अपना पेस्ट करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और इस फॉर्म को भी आपको साथ लेकर जाना है। सो फिलहाल के लिए हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा प्रिंट Form 1, Form 1 के बारे में मैंने आपसे पहले ही बता दिया, Form 1 हमने प्रिंट निकाला हुआ है, सो इसको अभी छोड़ देते हैं। अब अगला जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है प्रिंट LL स्लॉट एक्नॉलेजमेंट, इस पर ओके करेंगे। ये आपके अपॉइंटमेंट की स्लिप यहाँ पर आ जाएगी, जो अभी हमने स्लॉट बुक किया था उसकी डिटेल्स हैं, इसको भी आपको प्रिंट निकाल लेना है, या आप चाहें तो फिलहाल के लिए इसे सेव करके रख सकते हैं। सो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सो हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें कलेक्ट करने हैं अपने, और RTO में जिस जो डेट हमें मिली है उस डेट में वहाँ पर जाना है। सो एक बार मैं आपको यहाँ फोल्डर में भी दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। एक तो हमारा एप्लीकेशन नंबर, एक Form 2 जो कि कंप्लीट फॉर्म है जिसपे आपको फोटोग्राफ पेस्ट करना है, एक आपका एज प्रूफ में हमने मार्कशीट लगाई है ये लेकर जाएंगे, और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लगाया है ये लेकर जाएंगे, एक Form 1 और एक अपॉइंटमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको RTO में लेकर जाने हैं। सो आई होप के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और डॉक्यूमेंट को लेकर अब मेरे पास कमेंट नहीं आएगी।
मैंने, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियरली समझा दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। सो ये बात तो थी डॉक्यूमेंट की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, बट इसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा जब आप RTO पहुंच जाएंगे, तो वहां पर RTO में आगे क्या करना होगा। सो RTO पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा और आपके सिग्नेचर करवाए जाएंगे। फ़ोटो खींचने के बाद और सिग्नेचर होने के बाद अगला जो नंबर है वो है टेस्ट का, और टेस्ट आपका फिजिकली नहीं होगा, आप इसको फुल्ली डिजिटली समझ सकते हैं, क्योंकि आपसे वहाँ पर ड्राइव करवा के नहीं देखी जाएगी लर्निंग लाइसेंस में। आपको सिर्फ वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर बिठाकर, ट्रैफिक रूल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे और ड्राइविंग से जुड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको जवाब देना होगा। तकरीबन 15-20 क्वेश्चंस आते हैं, सभी स्टेट्स में अलग अलग रूल है क्वेश्चंस के, जो हैं कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। सो 15-20 के बीच में आप मान के चलिए जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन का आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसी 30 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसका जवाब भी देना है। सो मान लीजिए अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो उसमें अगर आप 15-20 सही आंसर दे देते हैं तो आप लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट ईजिली पास कर लेंगे। अब बात ये आती है कि आपको वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आप कैसे चेक करेंगे और उसकी किस तरह से तैयारी करेंगे। सो वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। सो आपको इसके लिए इसी वेबसाइट पर आना है, sarathiparivahan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लर्नर लाइसेंस का एक ऑप्शन है, इस पर लेकर आएंगे कर्सर को, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सैम्पल क्वेश्चंस फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर हिंदी में देना चाहते हैं, यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करेंगे। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट हमारी जनरेट हो चुकी है, लेकिन हमें शो नहीं हो रही है क्योंकि हमारे ब्राउज़र ने पॉपअप को ब्लॉक किया हुआ है। सो आप यहाँ पर जाएंगे पॉपअप्स ब्लॉक्स में, अगर आपका इस तरह का कुछ दिखाता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सारथी परिवहन, इस पर ओके करेंगे और यहाँ पर PDF डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए हमारी PDF डाउनलोड हो चुकी है और 51 पेज की ये PDF है, और इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं 302 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस इतने इजी हैं, अगर आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, एक बार अगर आप देख भी लेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, आप टेस्ट में फिर कभी भी फेल नहीं हो सकते। सो इतना तो तय है कि आपको एक दिन इस PDF में लगाना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को एक दिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। सो इस PDF को डाउनलोड करने का बड़ा ही आसान तरीका है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप हिंदी में टेस्ट देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में, और सबमिट करेंगे तो आपके स्टेट में जो भी क्वेश्चंस लर्नर लाइसेंस के लिए पूछे जाने हैं उसकी एक PDF आ जाएगी। आपको इस PDF को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है और उसके बाद टेस्ट देने के लिए सभी डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट करके जो मैंने आपको बताए हैं वो अपने RTO में टाइम से पहुँच जाना है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है लर्नर लाइसेंस बनवाने का। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट डे ही अपना लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि अगर टेस्ट में फेल हो गए तो क्या दोबारा से पूरा एप्लीकेशन फिल करना होगा और क्या दोबारा से पूरी फ़ीस देनी होगी। सो आपको ना तो दोबारा से एप्लीकेशन फिल करना है और ना ही आपको पूरी फ़ीस पे करनी है, आपको सिर्फ 50 रुपये पे करने होंगे रीटेस्ट के लिए, और आप दोबारा से टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। सो बाई चांस अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, सो नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको लर्नर लाइसेंस डाउनलोडिंग का प्रोसेस बताऊंगा, उसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर टेस्ट में फेल हो गए तो आप दोबारा से 50 रुपये रीटेस्ट के लिए कैसे पे करेंगे। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, या वीडियो में बहुत मेहनत लगी है इसलिए एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।